पहली बार आए हुए हैं ऐसा मौसम में, ये क्योंकि ये पानी पानी इतना उफान पे है, इसके बाद भी यहाँ प्रशासन की यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। थे ना कि इसके पास क्या है, वाटरफॉल इसका अच्छा दिखता है, इसके वाटरफॉल अभी तो नहीं है, बरसात के मौसम में वाटरफॉल अभी बीच में है तो दिख नहीं रहा अच्छा। टेबल तो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, अभी आए थे हम लोग 4-5 दिन पहले भी तो वहाँ तक पानी था। महाकौशल में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नदियां हैं वह उफान पर आ गई हैं। इस वक्त मौजूद हूँ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट का धुआंधार जलप्रपात तो लोगों ने कई बार देखा होगा, उसकी कई उसकी जो सुंदरता है वो नियाग्रा वाटरफॉल की तरह होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो पिलर है इसके पास यहाँ पर धुआंधार वाटरफॉल था, लेकिन नर्मदा जिस तरीके से उफान पर आई हैं बरगी बांध के गेट खोलने के बाद से, उसके बाद से जो है पूरा धुआंधार वाटरफॉल पानी के आगोश में खो गया है। और यहाँ पर भेड़ाघाट का ये नज़ारा देखने अभी भी लोग आ रहे हैं, जबकि प्रशासन ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया है कि लोग नर्मदा के तट से दूर रहें, क्योंकि जिस तरीके से बरगी बांध के गेट खुल रहे हैं उसके कारण लगातार नर्मदा का जो वाटर लेवल है वह तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन बावजूद उसके लोग जो है प्रशासन की जो चेतावनी है उसे नज़रअंदाज करके नर्मदा के इस रूप को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, ना तो यहाँ सुरक्षाकर्मी हैं ना ही पुलिस वाले हैं। बावजूद उसके जो लोग हैं वह अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार के साथ नर्मदा के तट पहुंच रहे हैं, ऐसे में खतरा भी जो है वह बना हुआ है। हमारे साथ कुछ युवक हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप कहां से आए हैं और ये भेड़ाघाट क्यों आए हैं बारिश? हम लोग जबलपुर आए हुए हैं, ये मौसम का हर एक चीज़ से अपना देखने के लिए कि यहां कैसा क्या मौसम। ये बताइए भेड़ाघाट धुआंधार जो आपने देखा है वाटरफॉल, और अब जो है वाटरफॉल पूरा पानी में जो गायब हो गया है, ये नज़ारा इसके पहले कभी देखा? जी नहीं देखा हम लोगों ने कभी, पहली बार आए हुए हैं ऐसा मौसम में ये, क्योंकि ये पानी पानी इतना उफान पे है, इसके बाद भी यहाँ प्रशासन की यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जो है चेतावनी जारी की गई है कि नर्मदा से दूर रहें क्योंकि पानी बढ़ रहा है, तब आप लोग बारिश में ये क्यों देखने आए हैं? आपको लगता नहीं कि यहाँ खतरा है? नहीं, अपन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही रखते हुए, अपन अपने आप में ही ध्यान रखते हुए ये सब देखने के लिए आए हुए हैं, ऐसा हम लोगों का कुछ वो नहीं है। देखिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो खुद अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वह जो नर्मदा में बाढ़ के हालात हैं उसको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ और फैमिली, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रिज के दूसरी ओर का नज़ारा दिखा देते हैं। आम तौर पर ये पूरा जो एरिया है ये पत्थरों का एरिया है, यहाँ पत्थरों की चट्टानें रहती हैं, पानी बिल्कुल नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से नर्मदा में बाढ़ आई है उसकी वजह से अब पानी जो है धुआंधार के साथ साथ ब्रिज के साइड भी आ गया है। जो ये पूरी चट्टानें हैं वह पानी में डूब चुकी हैं, और यहाँ पर भी पानी जो है 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर आ गया है। अगर हम बात करें इस पूरे भेड़ाघाट क्षेत्र की, पर्यटन स्थल कहलाता है, आम तौर पर यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन अब जब ये बारिश का मौसम है तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो रेलिंग यहाँ पर थी उन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत तेज़ी से आता है। बावजूद उसके यहाँ पर ना तो सुरक्षा के प्रॉपर इंतज़ाम है, ना सुरक्षा गार्ड हैं, और लोग भी जो हैं ऐसे जो नज़ारा है उसे अपने कैमरों में कैद करने के लिए जान जोखिम में ले रहे हैं। परिवार के साथ नर्मदा के तट पर आप देख सकते हैं कि वो पेड़ के नीचे जो लोग दिख रहे हैं वहाँ पानी जो है लगभग 8 फीट ऊपर है, वहाँ से 8 फीट नीचे धुआंधार वाटरफॉल और नर्मदा का जो सौंदर्य देखने के लिए लोग जाते थे वो रास्ता वहाँ से है, लेकिन पूरा रास्ता डूबा हुआ है, और बावजूद उसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नर्मदा के उस तट पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन लोग जो है तमाम अलर्ट और तमाम जागरूकता के बाद भी लापरवाह नज़र आ रहे हैं, और इस पानी जब नर्मदा में बाढ़ है उसके इस नज़ारे को देखने के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे ही बात करते हैं। ब्रदर ये बताओ आप कहाँ से आए हैं? हम अनूपपुर से आए हैं। हाँ आप अनूपपुर से आए हैं, यहाँ भेड़ाघाट में बारिश का ये मौसम है, नर्मदा में जो है
बाढ़ आई हुई है, उफान पे नर्मदा है, तो क्या देखने आए हैं? यही कि इसका माहौल वगैरह दर्शन कर रहे हैं आए हैं। लेकिन भाई दर्शन तो आप जबलपुर में भी कर सकते थे, जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर है भेड़ा। सुने थे ना कि इसके पास क्या है, वाटरफॉल इसका अच्छा दिखता है। वाटरफॉल अभी तो नहीं है, बरसात के मौसम में वाटरफॉल अभी बीच में है तो दिख नहीं रहा अच्छा। जब वाटरफॉल नहीं दिख रहा तो आप तो बाद में भी आ सकते थे, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ खतरा काफ़ी है, क्योंकि 10 फीट वाटरफॉल से 8 से 10 फीट ऊपर नर्मदा बह रही है। आज भी बर्गी बांध के गेट खुले हैं, फिर पानी का लेवल बढ़ेगा। लेवल तो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अभी आए थे हम लोग 4-5 दिन पहले भी, तो वहाँ तक पानी था और आज यहाँ बढ़ चुका है। जब 4-5 दिन पहले एक बार देख गए थे तो दोबारा क्यों आए? आपको लगता नहीं कि आप लोग खुद जो है खतरा मोल ले रहे हैं? अभी रास्ते से जा रहे थे, एक्चुअली यहाँ के लिए नहीं आए हैं, अभी आए हैं, अभी दरअसल जा रहे दूसरे जगह, तब इसलिए रुक गए थोड़ा। अगर कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ ये आप सही बोल रहे हैं, कौन होगा जिम्मेदार? हम ही लोग होंगे। तो देखिए जो लोग हैं उन्हें मालूम है कि यहाँ पर खतरा है, और वो ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन लोगों को कहना है कि अगर कोई हादसा होगा तो वह खुद ही जिम्मेदार होंगे। उन्हें जो नर्मदा का ये रूप है वह खींच कर लाया है, इसलिए अब लोग दूर दराज से जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर भेड़ा घाट पहुँच रहे हैं, और इस भेड़ा घाट का जो ये रूप है बारिश के मौसम का, उसे अपने कैमरों में भी कैद कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब प्रशासन को भी पता है कि नर्मदा में बना जो बरगी बांध है उसके 13 गेट खोले जा चुके हैं, लगातार उससे है पानी छोड़ा जा रहा है, और उसकी वजह से नर्मदा के जो तट हैं उनमें अलर्ट जारी है, बावजूद यहां पर सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर।